हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के पेपर को देखेंगे, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति भावना का उद्गम माना जाता है? सही उत्तर है दक्षिण भारत से। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? सही उत्तर है मारवाड़ी। अगला प्रश्न, दोहा कोस के रचयिता का नाम है? सही उत्तर है सरहप्पा। अगला प्रश्न, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाढ़े केस काव्य पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? सही उत्तर है चंद बरदाई की। अगला प्रश्न, विद्यापति किस लोक भाषा के कवि थे? सही उत्तर है मैथिली। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम है? सही उत्तर है हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? सही उत्तर है 9। अगला प्रश्न, कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किसने किया है? सही उत्तर है धर्मदास। अगला प्रश्न, चंदायन किसकी रचना है? सही उत्तर है मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न, इनमें से कौन प्रेम मार्ग की शाखा सूफी से संबद्ध कवि है? सही उत्तर है जायसी। अगला प्रश्न, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं? सही उत्तर है पल्लवाचार्य। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा है? सही उत्तर है अवधी। अगला प्रश्न, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? सही उत्तर है हित हरिवंश। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेना होए सुलेऊ, सूरदास के संबंध में ऐसा किसने कहा? सही उत्तर है विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न, भक्ति साहित्य को ईसाइयत की देन किसने माना है? सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न, इनमें से कौन अष्टछाप के कवियों में नहीं है? सही उत्तर है केशवदास। अगला प्रश्न, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम काव्य पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है मलूकदास। अगला प्रश्न, सूरदास की भक्ति में किस भाव की प्रधानता है? सही उत्तर है सख्य भक्ति भाव। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रंथ सूरदास द्वारा रचित नहीं है? सही उत्तर है कृष्ण गीतावली। अगला प्रश्न, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ऐसा किसने कहा है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व नवधा भक्ति का नहीं है? सही उत्तर है राष्ट्रीय सेवा। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काल की समय सीमा है? सही उत्तर है संवत 1700 से 1900 तक। अगला प्रश्न, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर किस कवि के दोहे के संबंध में कहा जाता है? सही उत्तर है बिहारी लाल। अगला प्रश्न, इनमें से कौन रीति सिद्ध कवि नहीं है? सही उत्तर है बोधा। अगला प्रश्न, सुजान सागर किसकी रचना है? सही उत्तर है घनानंद। अगला प्रश्न, झलके अति सुंदर आनन गौर छके दृगराज तिकानन छवे काव्य पंक्ति है? सही उत्तर है घनानंद। अगला प्रश्न, रीतिकाल के प्रमुख नीतिकार कवि के रूप में जाने जाते हैं? सही उत्तर है गिरिधर कविराय। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका किसकी कृति है? सही उत्तर है केशवदास। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा किसका नाटक है? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, बद्रीनारायण चौधरी
प्रेम घन किस पत्रिका के संपादक थे? सही उत्तर है आनंद कादम्बनी। अगला प्रश्न, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस केतन केतन मन धन मूसे, काव्य पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि किसे माना जाता है? सही उत्तर है श्रीधर पाठक को। अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं? सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न, छायावाद का नामकरण कर्ता किसे माना जाता है? सही उत्तर है मुकुटधर पांडे को। अगला प्रश्न, कामायनी के रचनाकार हैं? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा किसकी काव्य रचना है? सही उत्तर है श्रीकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न, तार सप्तक के संपादक कौन थे? सही उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न, उच्चारण स्थान के आधार पर दंत्य ध्वनि है? सही उत्तर है ध। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1936। अगला प्रश्न, चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? सही उत्तर है 1979 ईस्वी। अगला प्रश्न, साकेत किसकी काव्य कृति है? सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, हिंदी काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला प्रश्न, इनमें से किस रचनाकार को आधुनिक मीरा कहा जाता है? सही उत्तर है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, प्रगतिवादी काव्य पर किस विचारधारा का अधिक प्रभाव है? सही उत्तर है मार्क्सवाद। अगला प्रश्न, किस कवि के लिए कहा जाता है कि ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं? सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? सही उत्तर है परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न, मैलांचल उपन्यास के लेखक हैं? सही उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? सही उत्तर है तमस। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? सही उत्तर है चेप की दावत। अगला प्रश्न, उसने कहा था किसकी कहानी है? सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न, शिव शंभू का चिट्ठा निबंध के निबंधकार हैं? सही उत्तर है बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक किसका है? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, अंधायुग नाटक किसका है? सही उत्तर है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग का नामकरण इनमें से किस साहित्यकार के नाम पर हुआ है?
सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं। सही उत्तर है नामवर सिंह। अगला प्रश्न, रस सूत्र किस आचार्य की देन है। सही उत्तर है भरत मुनि। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। सही उत्तर है वामन। अगला प्रश्न, शब्दार्थों सहितो काव्यम काव्य लक्षण के संदर्भ में ऐसा किसने कहा। सही उत्तर है भामा ने। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। सही उत्तर है रति। अगला प्रश्न, इनमें से किसका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है। सही उत्तर है लल्लू लाल। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला समाचार पत्र है। सही उत्तर है उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न, जूठन आत्मकथा के लेखक हैं। सही उत्तर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न, पथ के साथ ही संस्मरण के लेखक हैं। सही उत्तर है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सही उत्तर है चिदंबरा। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा का संबंध है। सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी वर्ग से। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया। सही उत्तर है गारसादा तासी ने। अगला प्रश्न, इनमें से कौन रस निष्पत्ति के व्याख्याता आचार्य नहीं है। सही उत्तर है महीम भट्ट। अगला प्रश्न, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। सही उत्तर है अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न, गोदान में किस मुख्य समस्या का चित्रण हुआ है। सही उत्तर है कृषक समस्या। अगला प्रश्न, किसने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। सही उत्तर है हजारे प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि इनमें से किस प्रकार की लिपि है। सही उत्तर है वर्णनात्मक। अगला प्रश्न, आयो घोष बड़ो व्यापारी लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आनी उतारी, इन पंक्तियों में गोपियों ने व्यापारी किसको कहा है। सही उत्तर है उद्धव को। अगला प्रश्न, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा। सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, स्वनिम का अर्थ है। सही उत्तर है ध्वनि। अगला प्रश्न, कविता क्या है निबंध किसका है। सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, इनमें से किसे खड़ी बोली का प्रथम महाकवि कहा जाता है। सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। अगला प्रश्न, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से सूरों से हुआ है। सही उत्तर है अर्धमागधी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति रामविलास शर्मा की नहीं है। सही उत्तर है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, महाभोज उपन्यास के लेखक हैं। सही उत्तर है मन्नु भंडारी। अगला प्रश्न, कौरवी का दूसरा नाम है। सही उत्तर है खड़ी बोली। अगला प्रश्न, इनमें से किस रचनाकार को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। सही उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न, एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी के कहानीकार हैं। सही उत्तर है माधव राव सप्रे। अगला प्रश्न, अशोक के फूल किस निबंधकार का निबंध संग्रह है। सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, मलबे का मालिक कहानी किसकी है। सही उत्तर है मोहन राकेश। अगला प्रश्न, इनमें से किसे व्यंग परक निबंधों के लिए अधिक प्रसिद्धि मिली। सही उत्तर है हरिशंकर परसाई।
अगला प्रश्न, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, यह काव्य पंक्तियां किसकी है? सही उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न, पद्मावत किसकी रचना है? सही उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में कितने कांड सोपान हैं? सही उत्तर है 7। अगला प्रश्न, इनमें से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? सही उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो, काव्य पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न, इनमें से कौन नवगीत परंपरा से जुड़े रचनाकार नहीं हैं? सही उत्तर है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? सही उत्तर है यमक। अगला प्रश्न, जिसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है और सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है, वह कौन सा छंद है? सही उत्तर है दोहा। अगला प्रश्न, माटी की मूर्ति शीर्षक से रेखा चित्र किस लेखक ने लिखा है? सही उत्तर है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। अगला प्रश्न, संसद से सरब तक किसकी काव्य रचना है? सही उत्तर है सुदामा पांडेय धूमिल।